बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं साहिल, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आप बहुत ही अच्छी सटीक रिसर्च करते हो, दैट इज वेरी गुड. आज के जमाने में क्या है ना, लोग कुछ भी रिसर्च किए बगैर कुछ भी छाप देते हैं इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके. साहिल और ये जो चैनल है पलट तेरा ध्यान किधर है, वो ऑथेंटिक रिसर्च करते हैं. सी इसलिए ये चैनल अलग है, इसीलिए हमें भी अच्छा लगता है ऐसे चैनल पे आके कुछ बातें करने का. तो दोस्तों फाइनली आज हम वो एपिसोड लेकर आए हैं जिसके लिए हमें काफी समय से कहा जा रहा था. इस एपिसोड में हम स्क्रीन प्ले, जो कि फिल्म का एक बेहद अहम डिपार्टमेंट है, उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक फिल्म में अगर स्क्रीन प्ले अच्छा हो तो कैसे दर्शक उस फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं, कैसे एक अच्छा स्क्रीन प्ले कहानी को देखने का नजरिया बदल सकता है. मैं अपने रिव्यूज में भी स्क्रीन प्ले और अन्य डिपार्टमेंट्स पर चर्चा करता हूं ताकि उस डिपार्टमेंट की फिल्म में अहमियत को आम लोग भी समझ सके. फिल्म में ये खराब था तो क्यों था, ये अच्छा था तो इसके पीछे किस डिपार्टमेंट का हाथ था, ये सब दर्शकों को पता होना चाहिए. तो आज जो हमारे कुछ फिल्म क्रिटिक्स हैं वो भी इस एपिसोड के माध्यम से पटकथा को क्लोजली समझ लें ताकि अपने रिव्यूज में वो इस पर भी प्रकाश डाल सके. वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है. मैं कमांडर रुस्तम पावरी, इंडियन नेवी. मेरे हाथों से विक्रम मखीजा का खून हो गया. एक फिल्म में क्या कुछ घट रहा है, कैसे घट रहा है और उसे किस एंगल से दिखाया जा रहा है, ऐसी तमाम बातों का श्रेय एक स्क्रीन प्ले राइटर को ही जाता है. और ये सब आपको एक ऐसे ऑथराइज्ड व्यक्ति के माध्यम से हम बताएंगे जो बॉलीवुड में इकबाल जैसी मोटिवेशनल फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख चुके हैं, तो वहीं बिजली चोरी जैसी जन समस्या को भी बिजली गुल मीटर चालू जैसी फिल्मों के माध्यम से सामने ला चुके हैं. इतना ही नहीं, जब थ्रिलर सस्पेंस फिल्म की बात आती है तो उन्होंने रुस्तम जैसी फिल्म लिखकर अपने टैलेंट का नमूना भी दिखा दिया. मैं बात कर रहा हूं राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विपुल रावल जी का. इस एपिसोड में हम विपुल रावल जी से न केवल स्क्रीन प्ले की बारीकियां जानेंगे बल्कि हम अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम के स्क्रीन प्ले के एग्जाम्पल्स के साथ इस पर चर्चा करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस फिल्म के सीन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए किस प्रकार से स्क्रीन प्ले लिखा गया. हाल ही में उन्होंने खुद एक फिल्म का डायरेक्शन भी किया था जिसका नाम था टोनी. उस फिल्म पर हम ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से आप वो एपिसोड देख सकते हैं. दोस्तों आइए जानते हैं विपुल जी से स्क्रीन प्ले की बारीकियां जो निस्संदेह आपको फिल्म को क्लोजली जानने का मौका देगी. थैंक यू साहिल. सबसे पहले तो मैं साहिल चंदेल और उनके जो चैनल है, उनका जो चैनल है पलट तेरा ध्यान किधर है, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाते हो. आप बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट बनाते हो और आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि एक राइटर के जरिए एक फिल्म का उदाहरण देके समझाना कि एक पटकथा कैसे लिखी जाती है, आई एम श्योर इससे कई लोगों को फायदा होगा. एंड इट इज माई प्लेजर टू बी ऑन दिस चैनल टूडे और मेरी मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल पे आज आया हूं और आपको मैं पटकथा लिखने के मूलभूत तरीके बताऊंगा मेरी फिल्म रुस्तम का उदाहरण देकर. राइट नाउ तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि एक कहानी और पटकथा में क्या फर्क होता है. पटकथा मतलब स्क्रीन प्ले. स्क्रीन प्ले मीन्स एज इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, पर्दे पे जैसा दिख रहा है वैसा. क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कहानी और कहानी तो राइटर के दिमाग में होती है, वो उसे पेपर पे उतारता है पटकथा के रूप में. पटकथा इज अ वे ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले. कैसे अब उसको जो पढ़ेगा सामने वाला, कोई प्रोड्यूसर होगा या डायरेक्टर होगा या एक्टर होगा, जब वो पढ़े तो इतना क्लियर और सरल होना चाहिए कि उसे वो पूरी फिल्म, उसको अपना कैरेक्टर, उसको अपनी फिल्म का आर्क, फिल्म की कहानी, फिल्म का ग्राफ कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या है, सब समझ में आ जाना चाहिए. ये एक्सप्लेन नहीं कर, पढ़ के उसको समझ में आना चाहिए. दैट इज वॉट इज कॉल्ड अ गुड स्क्रीन प्ले. दैट इज अ स्क्रीन प्ले. और अब आज मैं आपको मेरी फिल्म रुस्तम का उदाहरण देके कहानी और पटकथा में डिफरेंस बताऊंगा, कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा, प्लॉट पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, स्टोरी का आर्क क्या होता है, कैरेक्टर ग्राफ क्या होता है. उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स, व्हेन आई सेड प्लॉट पॉइंट्स, मैंने कहा था प्लॉट पॉइंट्स मतलब वो जो पॉइंट्स जहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और आपको बताऊंगा कि एक अच्छी कहानी में क्या होता है और वो जो कहानी में अच्छा होता है वो स्क्रीन प्ले में कैसे हम दिखा सकते हैं, ये मैं आज आपको मेरी फिल्म रुस्तम का उदाहरण देके बताऊंगा. दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एक पटकथा में क्या क्या होता है. एक पटकथा में सबसे पहले होती है कहानी. ओके, अब कहानी में क्या क्या होता है, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन. इतना याद रहे दोस्तों, हर कहानी में एक विलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि
जब कहानी में विलन होता है तो कहानी में कॉन्फ्लिक्ट आती है, जब कॉन्फ्लिक्ट मतलब रंजिश, जब कहानी में कॉन्फ्लिक्ट आती है तो आपकी कहानी मजेदार हो जाती है। ये भी याद रहे कि विलन हमेशा हीरो से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए स्टेटर में, रुतबे में, क्योंकि तब जाके जब एक कमजोर आदमी एक शक्तिशाली आदमी को हराता है, जब अपना हीरो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मशक्कत करके लड़ के जब ये पावरफुल विलन को हराता है, तब जाके कहानी देखने का मजा आता है और ऑडियंस को एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन होता है। ये मत भूल रुस्तम कि तू मेरे घर में है। वैसे तो दोस्तों ज्यादातर केसेस में विलन इंसानी होते हैं, इट कुड बी अ मैन, इट कुड बी अ वुमन। कई फिल्मों में, कुछ फिल्मों में विलन जानवर भी होते हैं, एनाकोंडा अगर आपने देखी होगी तो। कई जगह पे विलन हालात भी होते हैं, कुदरत भी होती है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अब अपना हीरो इस कुदरती विलन से लड़के अपना लक्ष्य पूरा करेगा, चाहे उसके फंसे हुए बच्चे को निकाले या कुछ जाना हो, कहीं पहुंचना हो या कुछ उसको हासिल करना हो, तो इस केस में विलन हो जाता है कुदरत या कोई जानवर हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ज्यादातर फिल्मों में विलन इंसान ही होते हैं। तो ये तो थे हीरो हीरोइन और विलन। इसके अलावा फिल्मों में अन्य कलाकार भी होते हैं। रुस्तम का उदाहरण दे तो रुस्तम में हीरो अक्षय कुमार है, जो रुस्तम पावरी का कैरेक्टर कर रहे हैं। हीरोइन इलियाना डिक्रूज मतलब सिंथिया है, उनकी पत्नी। विलन कौन है? विक्रम और प्रीति, जो भाई बहन का जोड़ा है। ये तो मेन मेन लोग। इसके अलावा कुछ लोग और कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत कैरेक्टर्स होते हैं। अब इनमें से कुछ कैरेक्टर हीरो के पक्ष में होते हैं, जैसे अपने रुस्तम में देखा जाए तो जमुना बाई थी जो हीरो के पक्ष में थी। अगर हमारे रुस्तम साहब ने उसको गोली मारी होगी ना तो एकदम सही सही किया साहब ने। एरज बिली मोरिया जो न्यूज़पेपर एडिटर है वो रुस्तम के पक्ष में थे। वी मस्ट हेल्प अ फेलो पारसी। विलन के पक्ष में थे ये अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर लक्ष्मण खांगानी, थे तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेकिन उनकी सिंपथीज प्रीति के साथ थी। विक्रम मखीजा की 3 गोलियां मारकर हत्या की। तो ये विलन के पक्ष के कैरेक्टर थे। इसके अलावा कुछ और ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो किसी के पक्ष में नहीं होते, वो सच्चाई की राह पे चलते हैं, वो अपना काम अपनी जो ड्यूटी होती है वो ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हैं, जैसे हमारे रुस्तम में थे इंस्पेक्टर लोबो। लोगों उस बातों से प्रभावित नहीं है कि रुस्तम कितने पॉपुलर है, रुस्तम ने क्या किया था पहले, क्या किया। उनके लिए रुस्तम सिर्फ एक मुजरिम है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अभी मामला क्या है। तो ये होता है हीरो हीरोइन विलन और अन्य कैरेक्टर्स। फिर आगे क्या हुआ? अब मैं आपको तरीका बताऊंगा टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स। किसी भी फिल्म के अंदर पहली बार जब हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस, देखो क्या है दोस्तों, फिल्म मेकिंग इज अ विजुअल मीडियम, आंखों से दिखना चाहिए। अगर हमें किसी का स्वभाव दिखाना है, किसी लेट्स से किसी किरदार का चरित्र दिखाना है, तो बोल के नहीं दिखाना है कि भाई सेठ बड़े दयालु है, विजुअली जेस्चर्स में दिखना चाहिए। रुस्तम का उदाहरण देते हुए मैं आपको दो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इंस्पेक्टर लोबो के बारे में, हमने ये दिखाना है कि इंस्पेक्टर आगे फिल्म में, पूरी फिल्म में इंस्पेक्टर लोबो एक बहुत ही निष्ठावान और एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर है, और उनका दिमाग भी बहुत तेज है, एनालिटिकल माइंड है उनका। तो ये हमने कैसे दिखाया? अब आपको याद होगा अगर रुस्तम अपना इंस्पेक्टर लोबो की जब एंट्री होती है तो उनके सामने पहले सीन में 4 कांस्टेबल खड़े हैं जो रात को कहीं गायब थे। लोबो साहब पूछते कल रात को कहां गायब थे, तो वो लोग एक कहानी बताते कि सर टायर पंक्चर हो गया। लोबो साहब मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, तो ये 4 कांस्टेबल खुश हो जाते कि भाई साहब हमारे झांसे में आ गए, उन्होंने हमें मान लिया कि हमारा कल टायर पंक्चर हो गया था। फिर लोगों साहब पलट के कहते हैं कि चलो तुम्हारी बात तो मान लेते हैं, अब एक छोटा सा रिपोर्ट लिख दो, एक दूसरे से मशवरा किया बगैर इतना बता दो कौन सा टायर पंक्चर था। फंस गए। तुरंत ही एक कांस्टेबल कन्फेस कर लेता है कि साहब माफ कर दो, जो हम कल काम कम था तो चौपाटी पे तफरी कर रहे थे। इतना लिख दो कौन सा टायर पंक्चर हुआ था आपस में कंसल्ट किए बगैर। इससे हमने लोगों साहब का एक स्मार्टनेस हमने एस्टैब्लिश कर दी कि लोगों साहब है अच्छा आदमी है, स्मार्ट भी है। तुरंत इसके बाद हमने जो दिखाया, उन्होंने एक पेपर हाथ में लिया, पेपर में हमने विजुअली एस्टैब्लिश किया कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिख रही है जिसमें लिखा है कि स्टैंप लॉन्च्ड, एक जमशेदजी जीजी भोई नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके नाम की एक स्टैंप लॉन्च हुई है। ये कहां आगे आता है? जब आगे जाके वो रुस्तम के बटवे का एनालिसिस कर इन्वेंट्री लेते हैं तो उसके अंदर से एक स्टैंप निकलती है। उनको तुरंत याद, बिकॉज ही इज अ वेरी क्या कहते हैं स्मार्ट और अलर्ट ऑफिसर, उनको तुरंत याद आ जाता है कि उस दिन जब मैंने अखबार जिस दिन रुस्तम ने सरेंडर किया था, मैंने अखबार में न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था कि एक स्टैंप लॉन्च होती है उसी दिन। तो ये जाते हैं जीपीओ, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस, वहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ उस दिन ये कमांडर साहब आए थे, उन्होंने एक ट्रंक कॉल किया था, ट्रंक कॉल के जरिए उनको दिल्ली का नंबर मिलता है, दिल्ली के नंबर से वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, और वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू लेके वापस आते हैं। तो ये जो हुआ ये आगे जाके कहीं ना कहीं काम आए, जो हमने प्लांट किया
दिस इज अ वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कैरेक्टर। तो हमने आपको बताया कैसे मैंने लोबो साहब का कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया था। ठीक इसी तरह अब हमें दिखाना कि एरेज बिली मोरिया एक आदमी है तो वो रुस्तम की फेवर में, न्यूज़पेपर एडिटर है, रद्दी सा टैब्लॉइड चलाते हैं, लेकिन रुस्तम की फेवर करते करते वो अपना भी उल्लू सेक रहे हैं, उन्हें पैसे भी कमाने हैं। और उनका कैरेक्टर हमने कैसे एस्टैब्लिश किया, अगर आपको याद हो तो पहले ही सीन में वो जा रहे हैं और उनके न्यूज़पेपर ऑफिस में हेडलाइंस फ्रेम करके रखी है, किसी में लिखा है कि भाई एक नाव पलट गई, 40 लोग मर गए और इसकी 1,00,000 कॉपीज बिकी। बिली मोरिया साहब खुश हो रहे हैं, अरे भगवान अरे वाह। फिर किसी एक अखबार में पता है कि आग लग गई बिल्डिंग में, 20 लोग मर गए, तो इस पे ये खुश हो रहे क्योंकि इस आर्टिकल में मेरी 50,000 कॉपी, मेरी 1,00,000 कॉपी बची थी। फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा सारा कर्जा माफ हो जाए, मेरा अखबार धनाधन चलने लगे। तो इससे हमें पता चल जाता कि इस आदमी का कैरेक्टर कैसा है। तुरंत क्या होता है, उनको खबर मिलती है कि भाई रुस्तम पावरी नाम के किसी नेवल ऑफिसर ने विक्रम मखीजा को गोली मार के हत्या कर दी। उनको एक मौका मिल जाता है कि भगवान ये मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं इस न्यूज की वजह से। सो दिस इज द वे वी एस्टैब्लिश आवर कैरेक्टर्स, इसको कहते हैं कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना। तो ये था दोस्तों तरीका कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना, कैरेक्टर का चरित्र, अगर मैं कहूं तो किरदार का चरित्र एस्टैब्लिश करना फिल्मों में उनके पहले सीन में, ताकि आगे हमें पता चल जाए कि आदमी कैसे बर्ताव करने वाला है। अब आगे जाके हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो या वो बदल जाए, वो आगे की बात है, लेकिन टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर पहले वो क्या है, जब फिल्म शुरू हुई तब हमारा कैरेक्टर किरदार का चरित्र क्या है, वो हमें कम से कम तरीके में अच्छे तरीके से इंपैक्टफुल तरीके से समझाना है। ये हो गया। अब पटकथा लिखने से पहले, अभी भी आपको पटकथा लिखना शुरू नहीं करना है, उससे पहले आपको कहानी लॉक करनी है। अगर हम रुस्तम की बात करें तो रुस्तम की कहानी क्या है कि भाई एक नेवल ऑफिसर है, बाहर सेलिंग पे गए, वापस आते हैं, पता चलता है उनकी धर्मपत्नी बाहर गई है और अखबार से पता चलता है कि चिट्ठियों से पता चलता है कि जब विक्रम मखीजा के साथ उनके उनका अफेयर है, वो जाते हैं उसको गोली मार देते, ट्रायल चलती है। ये हो गई कहानी इन लॉन्ग फॉर्म में, जिसको हम बोले कहानी। पटकथा लिखना अलग बात होती है। और अच्छा, रुस्तम की कहानी की अगर बात करें तो इसमें ऐसा रुस्तम इस कहानी में ऐसा नया क्या था, ये तो एक तो सत्य घटना पर आधारित थी, यू नो इट हैड हैपेंड इन 1959। इस केस पे, इस कहानी पे ऑलरेडी दो फिल्में बन चुकी थी, एक का नाम था ये रास्ते प्यार के, दूसरे का नाम था अचानक। मेरी कहानी में अलग क्या था मैं आपको बताता हूं, और यहां पे क्या काम आएगा, यहां पे आएगा आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका यू नो आपका नॉलेज जैसे कह सकते हैं हम, कैसे काम आएगा मैं बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी दो कहानी बन चुकी थी, मेरी कहानी में क्या लगता, मुझे मालूम था क्योंकि मैं अखबार पढ़ता हूं, मुझे जानकारी थी कि उन्हीं दिनों में जब ये हुआ 1959 में, उन्हीं दिनों में हिंदुस्तान का पहला एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत का सौदा हुआ था इंग्लैंड से, हमने किया था। मुझे ये भी मालूम था बिकॉज आई यूज टू रीड अ लॉट एंड सो मेनी अदर रीजंस, मुझे भी मालूम था कि ये एयरक्राफ्ट करियर 1945 में उसकी नींव रखी गई थी, लेकिन फिर 15 साल से सड़ रहा था क्योंकि विश्व युद्ध खत्म हो गया था, जरूरत नहीं थी और 15 साल से सड़ रहा था, और हमने एक सेकेंड हैंड थोड़ा खस्ता हालत वाला करियर हमने लिया जो हमें जरूरत थी उसकी, ये मुझे नॉलेज था। तो मैंने ये सत्य घटना जो कमांडर नानावडी का केस था उसको, और दूसरी सत्य घटना के एयरक्राफ्ट करियर, इसको मिला के एक फिक्शनल कहानी बना दी कि भाई जो कहानी है स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा कि भाई कमांडर ने गोली मारी क्योंकि उसको लगा कि उसकी वाइफ का अफेयर था, लेकिन जब पत्ते खुलेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, मामला कुछ और था। पढ़ने की जो बात करता हूं, ये क्यों जरूरी है, इफ यू देखो दोस्तों क्या है, अगर आपको राइटर बनना है ना तो आपको रीडर बनना पड़ेगा, एंड बाय रीडर आई मीन यू विल हैव टू रीड। मैं आज की तारीख में 6 अखबार पढ़ता हूं, 2 मैगजीन पढ़ता हूं, हर 3-4 दिन में एक नॉवल खत्म करता हूं, पढ़ने का शौक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर इंसान जो पढ़ेगा वो राइटर बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आपको राइटर बनना है तो मैं फिर से कहता हूं आपको पढ़ने वाला होना चाहिए, इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग का शौक होना चाहिए, एंड बाय ट्रैवलिंग में मेरा मतलब ये भी नहीं कि आप ये क्या कहते हैं उसको टूरिस्ट प्लेसेस पे कुल्लू मनाली नहीं इधर उधर जाओ, नहीं, बाय ट्रैवलिंग आई मीन आपको एक कुदरती जिज्ञासा होनी चाहिए नए लोगों से मिलने की, नए लोगों से बात करने की, उनका कल्चर समझने की, उनका पहरवेश, उनका खान पान, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको आपके पटकथा लेखन में काम आएगी। ये सब के अलावा भी आपको अपना इमेजिनेशन यूज करना है, यू नो ऐसा नहीं है कि आपने किसी आदमी की कल्चर समझ लिया तो आप अच्छी कहानी लिख पाओगे, नहीं, कहीं ना कहीं उसको स्मार्टली आपको अपनी कहानी में पिरोना है, पर पिरो कब सकते हो जब आपको उसके बारे में जानकारी है तो, यू नो। तो ये मैं कह रहा था कि नॉलेज बहुत जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है,
टू राइट स्टोरी ऑन एनी सब्जेक्ट। देखो ह्यूमन रिलेशनशिप पे तो सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन अब जैसे किसी का प्रोफेशन है, अब नेवल ऑफिसर का प्रोफेशन है तो हमें नेवी का जहाज दिखाना है, तौर तरीके दिखाने, कोई डॉक्टर है तो उसके जार्गन जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल जार्गन्स बताने, डॉक्टर कैसे बात करेगा है ना, इंजीनियर कैसे बात करेगा, तो हमें वो सब चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप राइटर नहीं बन पाओगे। इसलिए अगर आपको राइटर बनना है तो मेक श्योर दैट यू रीड अ लॉट, आपको ज्ञान हो, आपको जनरल नॉलेज ज्यादा हो, और आपका जो एक अंदर एक कुदरती जिज्ञासा हो, नेचुरल क्यूरियोसिटी टू नो थिंग्स, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ राइटर। इसके अलावा एक और जरूरी बात करता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक राइटर की क्वालिटी क्या होती है? अगर आपको राइटर बनना है तो यू हैव टू बी लिटिल ब्रॉड माइंडेड, आपकी सोच आम आदमी से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। वो कभी भी ये जात बात में विश्वास नहीं करेगा, ना ही वो कभी अपनी कहानियों में अपनी राजनीतिक सोच घुसेड़ेगा, क्योंकि जिस दिन किसी राइटर का एजेंडा एंटरटेनमेंट से हट जाता है, मेन मुद्दा अगर एंटरटेनमेंट ना हो और कुछ और होता है, कुछ दिखाना या किसी एक पॉलिटिकल परिवार की बेइज्जती करना या किसी एक पॉलिटिकल पक्ष को चढ़ाना, जब ये फोकस हो जाता है तो आप कहानी ठीक से नहीं लिख पाओगे, आप बायस्ड हो जाओगे। कहानी का एक ही पर्पज होना चाहिए, टू एंटरटेन द ऑडियंस, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। नहीं आपको आपकी राजनीतिक सोच करनी है, नहीं आपको समाज को बदलने की कोशिश करनी है कहानी दिखाने से, नहीं आपको कुछ क्रांति लाने का जिज्ञासा करनी है। अगर ये सारे मकसद है तो आप अच्छी कहानी नहीं लिख पाओगे। हाँ, कई बार एक कहानी लिखते लिखते, कई बार ऐसा होता है, मेरी पहली फिल्म थी इकबाल, जब मैंने लिखी थी मुझे नहीं पता था कि लोग उसे ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल मटीरियल के इस्तेमाल करके, लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो मेरा पर्पस ये नहीं था कि आगे जाके कॉर्पोरेट्स में या किसी को मोटिवेट करेगी मेरी कहानी या एज अ मोटिवेशनल टूल यूज किया जाएगा, वो मेरा मकसद नहीं था। मैंने तो एक एंटरटेनिंग कहानी लिखी, अगर वो हो जाता है तो उसे एक बोनस समझिए और आपका खुशनसीबी समझिए, लेकिन उसको अपना पर्पस बना के कहानी लिखने मत बैठिए। डो नॉट टेक योरसेल्फ सीरियसली। कई कहानीकार होता हूं, देखता हूं मैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते, उन्हें लगता है कि हम हमारी कलम से क्रांति लाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी अगर अपने कलम से क्रांति लाने की कोशिश करेगा तो नहीं हो, वो कहानी अच्छी नहीं लिख, हो सकता है क्रांति आ जाए, उसका वो पर्पस अलग, हो सकता है क्रांति आ जाए, हो सकता है वो पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो अच्छी एंटरटेनमेंट कहानी नहीं लिख पाएगा। सो अगर आपको एक अच्छा कहानीकार प्रोफेशनल राइटर बनना है, यू हैव टू हैव अ ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड टूवर्ड्स मैन। एक और बहुत जरूरी बात, एज अ राइटर आपको अपना इमेजिनेशन बहुत तो दौड़ाना ही है, और एज अ राइटर आपको ऐसी चीज लिखनी है जो एक आम आदमी सोचने से भी डरता है। जिस दिन आपने ये कर दिया ना, उस दिन आप एक अच्छे राइटर बन जाओगे। दैट इज वन ऑफ द क्वालिटीज। एनीवे, ये होती है राइटर की क्वालिटीज वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे पहले कहानी लॉक करनी है, रिसर्च कर लेनी है आपको, आपको कैसे अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना है। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्मों में गानों का महत्व। देखिए, गाने हमारी फिल्मों का हिस्सा क्यों है? क्योंकि गाने हमारे कल्चर, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता का एक अटूट हिस्सा है। बरसों से पहले भी गाने चलते थे, दोहे फोक सॉन्ग्स होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं। तो गानों का फिल्मों में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। फिल्मों में गाने यूजुअली दो काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो भाई कोई इंटेंसिटी आ जाती है तो थोड़ा इंटेंसिटी ब्रेक करने को, मूड चेंज करने को गाने का इस्तेमाल होता है। आजकल एक नया ट्रेंड निकला है, आजकल तो क्या 10-15 साल से चल रहा है, जिसको बोलते हैं आइटम नंबर, कि भाई एक खुशी के लिए रख दो एक आइटम नंबर, जिस जो ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो ठीक है, चलो यू नो, तो लोग लग देते हैं। ज्यादातर गाने क्यों होने चाहिए फिल्म में? कि वो स्टोरी को आगे बढ़ाए। गाने होते हैं स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, कि भाई आगे क्या। मैंने रुस्तम में गाने का इस्तेमाल किया पीछे की स्टोरी बताने के लिए। मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है दोस्तों, कि व्हेन अ फिल्म स्टार्ट्स, तो एज अ राइटर जब आप कैरेक्टर्स बनाते हो ना, तो अपने लिए एक एक्सरसाइज हम करते हैं कि भाई पहले तो मैंने ए राइटर की पूरी बायोग्राफी लिखती, जब से वो पैदा हुआ तब से जब तक ये फिल्म शुरू होती है, तो एक बायोग्राफी वो थी। दूसरी बायोग्राफी ये थी कि फिल्म शुरू होने से फिल्म खत्म होने तक, ये दो अलग। फिल्म शुरू होने से पहले जो मैंने लिखा, हो सकता है काम ना आए, यू नो, लेकिन वो लिखना अपनी एक्सरसाइज के लिए लिखना जरूरी है। अब इस गाने में अगर आपको याद होगा, तेरे संग यारा जो गाना था, उसमें स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया कि भाई ये तय हो गया कि भाई कमांडर साहब जल्दी घर पहुंच रहे हैं,
उसके अलावा हम एक गाने में हमने दिखा दिया कैसे पहले वो सिंथिया से मिले, उनमें प्यार हो गया, कोर्टशिप हो गई, शादी हो गई, उसके अलावा कैसे उनका नो रोमांस आगे बढ़ता है, लाइफ कैसे होती है, सेलिंग पे जाते हैं, अकेलापन कैसा होता है, और जब तक गाना खत्म होता है और रुस्तम घर वापस आते हैं तब तक ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि भाई उनकी धर्मपत्नी कल रात से कहीं कल सुबह से कहीं बाहर है, वो विक्रम मुखिया के साथ बाहर गई है। तो इस गाने में हमने पहली 5-7 मिनट पूरा मुद्दा सेट कर दिया कि भाई साहब कमांडर साहब आए हैं, पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई कारण सर पत्नी उनकी मखीजा साहब के साथ एक रात से बाहर गई है। ये हो गया, ये हमने फिल्मों में यूज किया गाना रुस्तम की और सिंथिया की पुरानी बैक स्टोरी बताने के लिए। मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर आप गाने भी लिखते हो क्या? तो नहीं, गाने लिखने के लिए एक अलग टाइप का माइंड सेट चाहिए, अलग पोएट्री साहित्य का ज्ञान होना चाहिए जो मुझ में नहीं है, पोएट्री का ज्ञान होना चाहिए और एक सेंस होनी चाहिए जो मुझ में नहीं है। आई एम गुड एट राइटिंग स्टोरीज। हम राइटर्स यूजुअली क्या करते हैं, इस जगह पे जहाँ गाना हमें चाहिए वहाँ एक सॉन्ग सिचुएशन लिख देते हैं कि भाई यहाँ एक सॉन्ग सिचुएशन है और इस सॉन्ग में इस गाने में फलानी 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 चीजें दिखानी है। तो जब मैंने स्क्रीन पे लिखा रुस्तम का तो मैंने लिख दिया कि इधर एक गाना डालेंगे हम जिसमें हम ये दिखाएंगे रुस्तम का बैक स्टोरी दिखाएंगे, सिंधिया से कब मिला, उनका प्यार क्या और उनका रूटीन यूजुअली कैसा होता है। अब क्या होता है जब फिल्म फ्लोर पे जाती है तो हमारे डायरेक्टर साहब और लिरिक्स राइटर बैठते हैं साथ में, डायरेक्टर साहब लिरिक्स राइटर या कभी कभी हम भी बैठते हैं, सिचुएशन समझाते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, ये विजुअल्स है, आपको इस हिसाब से गाना लिखना है। तेरे संग यारा गाना लिखा मनोज मुंतशिर ने, भाई साहब क्या गाना लिखा। मनोज एक बहुत ही सेंसिटिव पोएट है, बहुत ही, उन्होंने तेरी मिट्टी भी गाना लिखा है, ही इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव मैन। तेरे संग यारा आज भी मैं जहां जाता हूं लोग बहुत ही प्यार से सुनते हैं उसको, तो ये लिरिक्स राइटर की अलग खासियत होती है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। गानों का हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा योगदान है, यू नो। तो ये थे गाने। ओ तेरे संग यारा, तो ये मैंने आपको बताया रुस्तम में तेरे संग यारा गाने का पर्पस और महत्व। अब इसमें बाय द टाइम गाना एंड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एस्टैब्लिश कर दिया 4-4.25 मिनट में कि भाई बहुत प्यार है लेकिन बाहर गया है कमांडर, बाहर से अंदर घर आया है, मालूम पड़ रहा है कि उसकी बीवी बाहर गई विक्रम मल्होत्रा के साथ, विक्रम मखीजा के साथ। अब पब्लिक में एक एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाता है कि भाई आगे क्या होगा। रुस्तम में आगे क्या किया हमारे कमांडर ने, प्लानिंग की, शिप पे गए, पिस्तौल निकाली, विक्रम मखीजा के घर गए, उसको गोली मार दी। ये जिस पॉइंट पे गोली मारी विक्रम मखीजा को, इसको हम राइटिंग की भाषा में कहते हैं द फर्स्ट प्लॉट पॉइंट, प्लॉट पॉइंट वन। प्लॉट पॉइंट क्या होता है दोस्तों? प्लॉट पॉइंट वो जगह है, वो हादसा है फिल्म के अंदर जो जहां से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। ये पहली 10 या अगर 2-2.25 घंटे की फिल्म है तो पहली 10 या 15 मिनट में प्लॉट पॉइंट आ जाता है, जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है। इससे पहले हमने सारे कैरेक्टर, सारा माहौल, सारा मोटिवेशन समझा दिया, अब इस प्लॉट पॉइंट से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। तो जैसे रुस्तम में पहली 10-15 मिनट में हमने गाने के जरिए, बाकी सबके जरिए हमने बता दिया कि भाई क्या होने वाला है, माहौल क्या है, कमांडर है, एरा कौन सा है, 1959 का टाइम है, जमाना क्या है, सब दिखा दिया। और पहले प्लॉट पॉइंट पे हमने दिखा दिया कि कमांडर नानावटी ने विक्रम मखीजा की गोली मार के हत्या कर दी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्लॉट पॉइंट। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं प्लॉट पॉइंट्स क्या होते हैं, एक फिल्म में कितने प्लॉट पॉइंट्स होते हैं और उन प्लॉट पॉइंट्स का महत्व क्या होता है। यूजुअली किसी भी अच्छी पटकथा में 4 प्लॉट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं प्लॉट पॉइंट वन, है ना, जो मैंने आपको भी बताया, रुस्तम में अगर हम उसका एग्जाम्पल दें तो वो पॉइंट था जब कमांडर पावरी ने विक्रम मखीजा की गोली मार के हत्या कर दी, दैट वॉज आवर प्लॉट पॉइंट वन। दूसरा आता है मिड पॉइंट, जिसको हम हिंदी सिनेमा में इंटरवल भी कहते हैं, लेकिन फॉरेन सिनेमा हॉलीवुड वगैरह में 90-100 मिनट की फिल्म होती है तो उसका आधा पोर्शन। आधे पॉइंट पे भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, यू नो, पहली 15-20 मिनट में तो होता ही होता है, लेकिन आधे वे एग्जैक्टली समवेयर ऑन द मिडवे मार्क समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। रुस्तम में क्या हुआ था इंटरवल पॉइंट पे, सबको लग रहा था अब तक कि भाई रुस्तम ने सरेंडर कर दिया, वो अपना एक बार जूम कर लेगा, उसको सजा सुजा देगी, पिक्चर खत्म। लेकिन रुस्तम ने उस पॉइंट पे आके क्या बोला, I plead not guilty. ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। लेकिन यहां से भी कहानी एक अलग, सबसे पहले प्लॉट पॉइंट वन जहां से कहानी दिशा में गई,
आई उस दिशा में जाते जाते वो आई मिड पॉइंट पे जहां रुस्तम ने बोला कि आई प्लीड नॉट गिल्टी। ये हो गया आपका सेकंड प्लॉट पॉइंट जो यूजुअली इज अ इंटरवल पॉइंट। यहां से अब कहानी अभी सेकंड हाफ में रुस्तम में क्या होता है, कोर्ट शुरू हो जाती है। फिर फिल्म खत्म होने के 40 मिनट पहले आता है थर्ड प्लॉट पॉइंट। ये क्या होता है, जहां से अगेन कहानी में कुछ ऐसा नया इंफॉर्मेशन या ऐसा जबरदस्त मोड़ आ जाता है जिससे हमें अब तक जो लग रहा था कि ऐसा है वैसा मालूम पड़ता ऐसा नहीं है। रुस्तम में वो पॉइंट क्या है जो मैंने आपको पहले बताया कि इंस्पेक्टर लोबो रुस्तम के वॉलेट का इन्वेंट्री लेते हैं, उधर से एक स्टैम्प मिलती है, स्टैम्प के जरिए उनको कुछ याद आता है, फ्लैशबैक में याद आता है कि यार उस दिन मैंने कुछ पढ़ा था। फिर वो जाते हैं जीपीओ, जीपीओ में रुस्तम आइडेंटिफाई हो जाता है, वो बताता है कि हाँ वो कमांडर साहब आए थे उस दिन, उन्होंने दिल्ली किसी को कॉल किया था, दिल्ली का नंबर मिलता है, ये पहुंच जाते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, वहां से उनको रिकॉर्डेड मिल जाता है रिकॉर्डेड टेप जिसमें रुस्तम साफ साफ फोन करके धमकी दे रहा है कि मैं विक्रम को छोड़ूंगा नहीं। दिस इज द प्रूफ दैट विल प्रूव विदाउट पॉइंट विदाउट एनी डाउट के रुस्तम ने को ये हीट ऑफ द मोमेंट में मर्डर नहीं कर दिया था, ठंडे दिमाग से सोच के प्लान करके उसके सुपीरियर्स को बता के विक्रम मकीजा को मारा था। मिलने तो मैं उसे जा रहा हूं और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सो दिस वॉज अ सेकेंड प्लॉट पॉइंट जो फिल्मों में तीसरा है, पहला प्लॉट पॉइंट, मिड पॉइंट, सेकेंड प्लॉट पॉइंट। चौथा और फाइनल पॉइंट है जिसको कुछ नाम नहीं है, मैंने एक नाम दिया है उसको, मैं कहता हूं सत्यानाश पॉइंट। अब ये सत्यानाश पॉइंट फिल्म खत्म होने से या तो 2 मिनट पहले या तो 5 मिनट पहले या 7-8-10 मिनट पहले आ जाता है। वो क्या होता है, ये वही होता है पॉइंट कि यहां ऐसा लगता है कि सब कुछ गायब हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, यू नो हमें लगता है कि अब तक हीरो तो जीत ही जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि गया खत्म हो गई, नया डूब गई। रुस्तम का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये वो पॉइंट है जब लोबो साहब अभी कोर्ट में फैसला सुनाने की जूरी फैसला सुनाने जाने वाली होती है और लोबो साहब एंट्री कर लेते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं और वो सबूत कोर्ट में जमा कर देते हैं कि भाई मैं कुछ सबूत लाया हूं। दिस इज द पॉइंट वेयर एवरीथिंग इज सपोज्ड टू बी फिनिश्ड कि भाई ये तो खत्म गया। फिर उसके बाद होता है क्लाइमेक्स। एक और अगर एग्जांपल दूं, बहुत बेहतरीन फिल्म लगान का, लगान में लास्ट बॉल पर छक्का मार आमिर खान खींच के 4 रन या 5 रन चाहिए उनको, खींच के बल्ला घुमाते हैं, एक तो सबसे पहले तो आउट हो जाते हैं, फिर मालूम पड़ता है वो तो यार नो बॉल हो गया है ना। ये था सत्यानाश पॉइंट। लगान में एक स्टेप आगे गए, ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, ये लोग 1 रन से मैच हार गए या वॉट इतना क्लोज आके, लेकिन फिर मालूम पड़ता है वो तो नो बॉल था भाई साहब, अब मिल गया एक मौका इनको। अब क्या करते हैं, आमिर खान बैटिंग करते हैं और बल्ला घुमाते हैं, बल्ला गेंद ऊपर जाती है और जो कैप्टन रसर होता है उसको कैच कर लेता है। अब हमें लगता है कि खत्म हो गया मामला यार, कैच कर लिया, लेकिन फिर हम दिखाते हैं कि वो तो लाइन के पार है, मतलब ये 6 हो गया, छक्का गया और मैदान जीत। तो उन्होंने 2 ऐसे पॉइंट रखे जिसमें ऑडियंस को लगता है अरे बाप रे क्या हो गया। सी ऑडियंस को जब लगे कि अपना हीरो जिसके साथ सिंपथी जुड़ गई है वो हार रहा है और फिर जब वो जीत जाए ना तो बहुत मजा आता है। दिस इज द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैं जो लोग पटकथा लिखने का शौक रखते हैं उनको एक एक्सरसाइज देता हूं। आपको जो अच्छी लगे बेहतरीन 10 फिल्में जो आपको अच्छी लगी है ना वो ले लीजिए, उसको देख लीजिए और फिर उसमें से आप ये 4 पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहला प्लॉट पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए कि यार ये पॉइंट है, इधर से कहानी अलग दिशा में गई। मिड पॉइंट आप सबको पता चली जाएगा, अगर हिंदी सिनेमा है तो इंटरवल पॉइंट यूजुअली होता है, अगर इंग्लिश फिल्म देख रहे हो तो आप देखो कहां पे मिड पॉइंट पे क्या आ रहा है। देन सी द सेकंड प्लॉट पॉइंट फिल्म खत्म होने के 40 मिनट पहले कि भाई किस दिशा में कहानी जा रही है। और ये चौथा मैंने जो बताया आपको सत्यानाश पॉइंट, इनको आइडेंटिफाई कीजिए। आप 10 फिल्मों में ये 4 पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए, आपको बहुत आसान तरीके से स्क्रीन प्ले लिखने के फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। तो लेट अस रीकैप। हमने आपको बताया कि कहानी क्या होती है, पटकथा कहानी में क्या फर्क होता है, पटकथा लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको कहानी लॉक करनी है, यू हैव टू लॉक द फिल्म, उसके अलावा आपको उसके अलावा आपको कैरेक्टराइजेशन कैसे करना है, यू नो गानों का महत्व, एंड आई टॉक यू अबाउट द प्लॉट पॉइंट्स। अब दोस्तों आते हैं पटकथा लेखन के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पे, संवाद, डायलॉग्स। देखो डायलॉग का ऐसा होता है, डायलॉग के बारे में मेरी जो राय है वो है डायलॉग ऐसे होने चाहिए जैसे गरीबों का टेलीग्राम,
मैं आपको समझाता हूँ गरीबों का टेलीग्राम क्या होता है। जिन लोगों को पता नहीं है, पहले के जमाने में अगर किसी को अर्जेंट, ये तो अभी मोबाइल आ गए तो टेलीग्राम बंद हो गए, बट काफी लोगों को पता भी होगा कि पहले जमाने में किसी को अर्जेंट मैसेज पहुंचाना होता था तो टेलीग्राम के जरिए पहुंचाते थे। उसमें हर शब्द के पैसे लगते थे, कोई 2 रुपए 4 रुपए ऐसा कुछ, और टेलीग्राम की कैटेगरी होती थी अर्जेंट, ऑर्डिनरी, एक्सप्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोग बहुत ही कंजूसी कर करके शब्द लिखते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बताना है कि भाई आपकी माताजी का देहांत हो गया, आप जल्दी घर आए, तो इतना लंबा नहीं लिखते थे, वो सिर्फ इतना लिखते थे मदर एक्सपायर्ड कम होम, 4 शब्द में बता दिया कि भाई माताजी गई, आप प्रस्थान कर लीजिए। तो संवाद भी ऐसे होने चाहिए जैसे गरीबों का टेलीग्राम, जितना कम उतना अच्छा। ज्यादा जरूर पड़ती है कई जगह पे, पर जितना हो, कई बार वैरायटी के लिए भी एक लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, अच्छा लगता है, पर मेरी ये पर्सनल ओपिनियन, मेरी ये राय है कि डायलॉग कम उतना अच्छा। अब मैं आपको एक रुस्तम का उदाहरण देता हूं कि रुस्तम रात को बैठा हुआ है, सिंथिया बाहर गई है, जब वो आती है तो रुस्तम उसके कुछ लव लेटर्स पढ़ता है, सिंथिया एकदम डरी जाती है, सहम जाती है और कहती है रूसी प्लीज आई कैन एक्सप्लेन। रुस्तम उसको टकटकी बांध के देखता है और कहता है ट्रस्ट मी डार्लिंग यू कैन नॉट, ट्रस्ट मी डार्लिंग यू कैन नॉट, ट्रस्ट मी डार्लिंग यू कैन नॉट। 5 शब्द में रुस्तम ने बहुत साफ साफ तरीके से कह दिया कि सफाई देने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई विल नॉट बिलीव यू, मुझे मालूम है तुम क्या करके आई हो और क्या कर रही थी। तो जितना कम उतना ज्यादा, ट्रस्ट मी डार्लिंग यू कैन नॉट, 5 शब्द में रुस्तम ने समझा दिया कि क्या माहौल है, हम दोनों के बीच में इक्वेशन क्या है। डायलॉग भी ऐसे होने चाहिए। हाँ, जहां जरूरत, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। अभी कोई कैरेक्टर, अगर आपने कोई ऐसा नया कैरेक्टर बनाया है, पहले की फिल्मों में बहुत होता था कि हर विलन का एक तकिया कलाम होता था, या अभी भी कई राइटर्स लिखते हैं ऐसा, सारे कैरेक्टर को शायरी में जवाब देंगे। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू हैव। जहां तक हो सके, अभी जैसे रुस्तम का कैरेक्टर बहुत ही संजीदा सीरियस टाइप का नेवल ऑफिसर का था, जितना कम बोलेगा उतना अच्छा है। सो दैट एड्स टू हिज पर्सोना, दैट एड्स टू हिज कैरेक्टराइजेशन। अब एक नेवल ऑफिसर अगर वो छिछोड़पना करे और अंडसंड बात करे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सेम वे अगर ये अपना एरज बिल्ली मोरे, उसका हमने कैरेक्टर दिखाया छिछोड़ा है, तो वो उस हिसाब से डायलॉग बोलेगा। तो आपको कैरेक्टर में घुस के आपको इमेजिन करना है कि ये वाला कैरेक्टर कैसे डायलॉग बोलेगा। हमने कई फिल्मों में दिखाया कि टोटली आउट ऑफ सिंक होता है, कि कोई एक आर्मी ऑफिसर है, वो बातें अलग तरीके से बातें कर रहा है। दिस इज, ये राइटर का कच्चापन है। अ राइटर शुड ऑलवेज राइट द कैरेक्टर द डायलॉग कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टर, कि ये कैरेक्टर क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको डायलॉग लिखना है। पर्सनली मैं इसमें मानता हूं कि जितना कम, क्योंकि इट्स अ विजुअल मीडियम, क्या फिल्म है ना, विजुअल मीडियम है, आंखों देख आपको बताना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैंने बताया कि कैरेक्टराइजेशन में के बोलना नहीं है कि भाई सेठ बड़े दयालु है, सेठ का दयालुपन विजुअली दिखना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, हम पीछे चले जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन पे आ जाते हैं, बात निकली तो, कि भाई अगर जमीन पे 100 का या 2000 की नोट पड़ी है, एक आदमी आता है 2000 की नोट लेता है, इधर उधर देखता है, अपनी जेब में डाल देता है, इससे हमें उसके बारे में पता चल जाता है। अब सोचो ये आदमी आता है 2000 का नोट देखता है, आजूबाजू देखता है, छोटी बच्ची है उसको दान में दे देता है, इससे हमें आदमी के बारे में पता चल जाता है। और एक आदमी आता है, वही आदमी वापस तीसरी बार अगर हमने दिखाया विजुअली, 2000 का नोट देखता है लेकिन झुकता नहीं उठाने के लिए, ये भी उसे कैरेक्टर के बारे में बताता है। सो यू हैव टू शो व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो इन द कैरेक्टर विजुअली, समझे। रही बात डायलॉग की, जितना हो सके उतना कम। डायलॉग से एक और बात याद आई मुझे, कई बार हम एज राइटर्स, मैं भी हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई एक सीन में नॉर्मल डायलॉग बाजी की वजह मैं कुछ प्रॉप्स या कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता हूं टू एनहांस द डायलॉग। रुस्तम का एक एग्जांपल लेता हूं, एक कॉन्फ्रंटेशन सीन है लोबो के बीच में और लोबो और रुस्तम के बीच में, मैंने चेस का फायदा लिया, चेस का इस्तेमाल किया। कैसे? लोबो साहब कमांडर साहब को मिलने जाते हैं, कमांडर साहब चेस की गेम अकेले देख रहे होते हैं, लोबो साहब बैठते बोले चलो एक बाजी, तो उसमें रुस्तम कहते हैं पहली चाल आप चलिए, तो लोबो घुमा देते हैं और बोलते हैं पहली चाल आप, सॉरी बोलते हैं हाँ पहली चाल तो आप कब से चल चुके हो, अब मैं चलता हूं, ऐसा कोई डायलॉग है। और फिर वो चेस की गेम के साथ डायलॉग बाजी चलती है ना, उसको एक सवाल करते हैं। अब ये पूरा मैंने क्या किया, एक चेस की गेम मैंने देखी जिसको हम, उसका कुछ टेक्निकल नाम है पर मतलब ऐसा है कि भाई उसमें रानी कुर्बान करने के बाद भी आप जीत सकते हो गेम।
तो इसमें जो जैसे गेम चलती है उसमें रुस्तम अपनी रानी कुर्बान कर देता है। तो लोबो साहब पूछते हैं, बताते हैं कि मान गए कमांडर साहब, जब आपने अपनी रानी कुर्बान कर दी तो मैंने सोचा आप गलती कर बैठे, कि आप समझ में आ रहा है कि एक सोची समझी चाल थी। तो इनका डायलॉग कि मतलब बाजी जीतने से फिर चाहे प्यादा कुर्बान हो जाए या रानी, मतलब बाजी जीतने से फिर चाहे प्यादा कुर्बान हो या फिर रानी। अब ये क्या था, हमने एक डायलॉग तो डाल ही दिया लेकिन इसको हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने प्रोमोशनल में यूज किया। दिस वॉज, अगर आप गौर से देखो तो प्रोमो का ये लास्ट सीन था, ये वाली डायलॉग बाजी। इससे क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है कि यार ये जो दिख रहा है वो नहीं है। तो ये जो डायलॉग मारा कि भाई मान के कमांडर साहब, आपने आपकी रानी कुर्बान कर दी तो हमने सोचा आप गलती कर बैठे, पर अब समझ में आया ये सोची समझी चाल थी। तो लोग क्या सोचेंगे कि यार इसने उसकी जो बीवी है उसके बारे में ऐसा किया, ये इट विल स्टार्ट बिल्डिंग एंटिसिपेशन एंड पीपल विल स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग। तो कई बार एक्सटर्नल टूल्स, एक्सटर्नल प्रॉप्स का फायदा उठा के भी, इस्तेमाल करके भी हम कोई दो आदमियों के बीच की डायलॉग बाजी को एनहांस कर सकते हैं, जैसे मैंने ये उदाहरण के साथ आपको बताया। तो दोस्तों ये कुछ मूलभूत तरीके थे पटकथा लिखन के, इसको एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले कहानी क्या होती, कहानी पटकथा विजुअल मीडियम कैसे लिखा जाता है, कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं, प्लॉट पॉइंट्स क्या होते हैं, गानों का क्या महत्व होता है और डायलॉग्स कैसे होते हैं, ये तो लिखने का होता है। ऑफकोर्स जब फिल्म मेकिंग में जाते हैं और फ्लोर पर जाती है तो एक अलग वो सब डायरेक्टर डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि कॉस्ट्यूम्स कैसे होंगे, फ्रेमिंग कैसे होगी, वो और बात की बात है। मैं पटकथा लेखन की अगर बात करूं तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और जरूरी बात कहता हूँ, देखिए ये छोटा सा वीडियो देख के तो आप कोई पटकथा लेखन में कुछ माहिर नहीं हो जाओगे, यू नो यू आर नॉट गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट बाय वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको पैशन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मजा ही आएगा आपको। सबसे पहले तो आपको फिल्में, अच्छी फिल्में देखनी है, अगेन अच्छी का डेफिनेशन अलग अलग होता है, ऐसी फिल्में जो आपको एंटरटेन करती है, जो आपके मन को छू जाती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, आपको उस फिल्मों में ये सारे जो प्लॉट पॉइंट्स, ये कैरेक्टराइजेशन आर्क, देखो हर, अगर एक अच्छी फिल्म, अच्छी पटकथा किसी ने लिखी है ना, उसके हर डायलॉग में, हर जेस्चर में कुछ ना कुछ छुपा होगा, कुछ ना कुछ मैसेज, बाई मैसेज आई मीन कुछ ना कुछ कहानी को आगे ले जाएगा, या तो कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएगा, या तो कहानी के बारे में बताएगा, या तो ओवरऑल सिचुएशन के बारे में कुछ बताएगा। ये आपको ऑब्जर्व करना है पटकथा में। दूसरा, बहुत सारी वेबसाइट्स है, एक का नाम है स्क्रिप्टोरामा, एक और दो तीन वेबसाइट है, मैं नाम बोल रहा हूँ पर आपको मिल जाएगी गूगल पे। इस पे बड़ी बड़ी फिल्मों की, ऑस्कर विनिंग, एमी विनिंग सीरीज, एमी अवार्ड विनिंग सीरीज वगैरह की पटकथा लिखी लिखाई मिल जाएगी आपको, यू नो आपको उसको डाउनलोड करके पढ़ना है, फिर वो सीरीज या वो फिल्म देखनी है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि ये पटकथा कैसे लिखी जाती है, क्या जब आप कुछ लिखा हुआ देखोगे ना तो आपको एक क्लियर अंदाजा आ जाएगा कि अच्छा ऐसे लिखा जाता है, ये होता है। कई लोग समझ तो जाते हैं पटकथा लिखना, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें वही गलती कर बैठे हैं कि मिस्टर एक्स इज सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको ऐसा नहीं लिखना है ये, अच्छा बाय द वे लिखना कैसे हो मैं आपको बाद में अलग उसमें समझाऊंगा, ये तो मैंने आपको क्या लिखना है वो बताया, लिखना कैसा है वो भी एक अलग टॉपिक है। जैसा मैंने, अगर मैं आपको क्या कहते हैं उसको शॉर्ट में बताऊं तो आपको उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और जो भी लिखना है उसको विजुअली दिखाना है। जैसे मैंने ये उदाहरण दिया कि आपको ये नहीं लिखना है कि गोविंद राय जी इज अ 60-year-old मैन विद अ वेरी लार्ज काइंड हार्ट, वो नहीं दिख। अगर गोविंद राय जी 60 साल के है वो आप बता दो 60 साल के है, उसका काइंड हार्ट है या बड़ा दिल है वो आपको विजुअली आगे कहीं दिखाना है। जैसे मैंने आपको गिरे हुए रुपए का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कोई एग्जाम्पल से दिखाना है, समझ लीजिए आप, ये होता है कैसे लिखना है ना? तो ये पटकथा, तो मैं जैसे कह रहा था आपको कि छोटा सा वीडियो देख के तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टार्ट वॉचिंग गुड सिनेमा, स्टार्ट रीडिंग स्क्रीन प्लेस बने बनाए स्क्रीन। आजकल देखो, पहले के जमाने में तो हमें है ना किताबें खरीदनी पड़ी, उस जमाने में दो तो तीन तीन हजार की किताबें होती थी 20 साल पहले, जो हमारे पास होते नहीं थे पैसे, देर आर नो रिसोर्सेज। आज तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे लोग क्लासेस भी लेते हैं, तो आजकल की जनरेशन को जिसको ये स्टोरी टेलिंग सीखना है आपके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। हैविंग सेड दैट, आज कॉम्पिटिशन भी उतना ही बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये आखिरी बात है, उससे वी विल यू नो इस वीडियो का अंत कर देंगे। देखो दोस्तों, क्या कोई भी आदमी उठ के बोल सकता है कि भाई आज से मैं डॉक्टर, आज से मैं सर्जरी करूंगा, या आज से मैं इंजीनियर, आज से मैं पुल बनाऊंगा?
नहीं बोल सकता ना, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तजुर्बा लेना पड़ता है, किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है जो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और इंडिया में ये है, बाहर नहीं है, कोई भी आदमी बोलता है कि कल से मैं राइटर, आज से मैं राइटर। अब इससे क्या होता है, विदाउट नोइंग योर कैपेबिलिटीज के भाई आप राइटर बनने के लायक हो कि नहीं, आप इस फील्ड में आ जाते तो आप तो दुखी होगे होगे, आपके साथ आपका परिवार भी दुखी होगा, यू नो, आपका फैमिली, आप बोलोगे कि नहीं तकदीर नहीं है, नेपोटिज्म चल रहा है, कोई हमको चांस नहीं दे रहा है, मेरा धर्म या मेरी जाति की वजह से कोई मुझे नहीं ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, फिल्म लाइन इज द लास्ट बेस्टर्न, कोई जुगाड़, कोई रिकमेंडेशन, कोई सिफारिश नहीं चलती, फिल्म लाइन में सिर्फ आपका काम और आपका टैलेंट बोलता है। अगर आप में टैलेंट है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो देर इज दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छा राइटर या अच्छा सिंगर या कुछ भी इस लाइन में बनाने से नहीं रोक सकती। फिल्म लाइन में के जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं, उनका एक बड़ा आउटलुक होता है, उनका एक ब्रॉड माइंडेड होता है, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंचते हैं। ये बात आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोग हमारे जो यूपी बिहार साइड से दोस्त है मेरे और कई स्टेट से लोग है ना, उनको आदत पड़ गया, बोला सर कुछ जुगाड़ लगा लो, मैं फलाने को जानता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। फिल्म लाइन में जानने से काम नहीं होता, किसी को जुगाड़ लगाने से अगर काम होता तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनके बेटे घर पे बैठे हैं, है ना, वो छोटी मोटी एक्टिंग कर चुके। देखो, जान पहचान से आपको एक मौका मिलेगा किसी को मिलके अपना कहानी दिखाने का या अपना काम दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का, उसके बाद आपके उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी कहानी में कितना दम है, आपके सॉन्ग में कितना दम है, आपकी यू नो व्हाटएवर, आपके सिंगिंग में कितना दम है, उस पर डिपेंड करेगा। जान पहचान से कुछ नहीं होता इस फील्ड में, तो ये आप भूल जाइए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। दूसरा, कहीं बैठे बैठे ये उम्मीद मत करो कि बॉम्बे से कोई कॉल आएगा, चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से जान पहचान बनानी पड़ेगी। अगेन, जान पहचान बनाने से भी कुछ नहीं होगा, जान पहचान बना के अगर आप काम डिलीवर नहीं कर पाओगे तो वो जान पहचान कोई काम की नहीं। हाँ, आप जिनके जान पहचान है उनके साथ बैठो, मिलो, ड्रिंक्स लो, मजे करो, पार्टी करो, काम नहीं मिलेगा अगर आप में टैलेंट नहीं आए तो। ये बहुत जरूरी याद रखना आप। तो जैसे मैं कह रहा था आपको कि हाँ, कोई कल उठ के कोई थोड़ी बोल सकता है कल से मैं इंजीनियर, कल से मैं डॉक्टर, ठीक उसी तरह आपको भी पढ़ना पड़ेगा। You will have to read books on script writing. आजकल script writing में बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा सबसे final और important बात मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपको practice चालू कर देनी पड़ेगी लिखने की। हो सकता है आप पहले 1-2 साल जो लिखो वो आप खुद ही फेंक दोगे, है ना, लेकिन करते 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 आपकी पकड़ आएगी। देखिए क्या है, स्क्रीन प्ले राइटिंग इज अ क्राफ्ट, एक कला तो है, क्राफ्ट है, ये हुनर है जो डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपके पास ज्ञान होना जरूरी है, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, आपके अंदर एक कुदरती जिज्ञासा होनी चाहिए, नया सो देखिए क्या है, कहानियां तो वही है भाई, 2-4 कहानी है ना, हीरो हीरोइन विलन, कुछ पुरानी चीज आपको नए तरीके से दिखानी है और कुछ नई चीज आपको पुराने तरीके से दिखानी है। ये गुरु मंत्र याद रख लो आप, है ना। आपको अगर दिखाना है दो लोगों में, एक एग्जांपल दे दूंगा, ये इसमें मेरी फिल्म का एग्जांपल नहीं है, बहुत बढ़िया फिल्म का एग्जांपल है जो मेरी फेवरेट फिल्म है। हमने ज्यादातर फिल्मों में देखा होगा कि सास बहू का जो रिलेशनशिप है, यू नो, या तो कुड़कुड़ करते रहती है, आपस में पंगा लेती रहती है, झगड़ती रहती है। विकी डोनर फिल्म में सास बहू का रिलेशन ऐसा था कि सुबह थोड़ी नोकझोंक तो कर लेती है, लेकिन शाम को सास और बहू दोनों बैठ के मिलके 2-2 पैग टिकाती है। कितना बढ़िया तरीके से इन लोगों ने, नया तरीका था ना सास बहू का, हमने आज तक किसी उनके बाद भी उससे पहले किसी सिनेमा में देखा नहीं कि सास और बहू बैठ के ड्रिंक्स ले रही है और बातें कर रही है अपने यू नो बेटे और पोते के बारे में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इसको नया तरीके से ट्राई टू यूज योर इमेजिनेशन। और जब भी कोई लिखते हो ना, अपने आप से पूछो कि क्या है ये मैंने लिखा, किस फिल्म में आया है क्या। 99% आया ही होगा, क्योंकि आप भी इन्फ्लुएंस। आप सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आपने लिखा है वो किसी फिल्म में ना हो, इसकी आपको ट्राई करनी है। किसी फिल्म में ये तरीका आया, अब देखो हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक तो बहुत में होती है, आपको कोई नया तरीका लाना है नोकझोंक दिखाने का, तो ही आपकी फिल्म इंटरेस्टिंग बनेगी। तो इसी के साथ सर दोस्तों आज का ये मैं वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिला होगा। लाइक आई सेड, ये वीडियो देख के आप माहिर तो नहीं हो जाओगे, इसके आपको बेसिक तरीके बताएगा। और मैं आपको ये भी समझाता हूँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है। आपको आपका इमेजिनेशन यूज करना है, आपको अपनी कुदरती जिज्ञासा बाहर लानी है। ये वीडियो समाप्त करने से पहले वंस अगेन मैं साहिल चंदेल को शुभकामना देता हूँ, उनका चैनल पर तेरा ध्यान की तरह।
बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं साहिल, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आप बहुत ही अच्छी सटीक रिसर्च करते हो, दैट इज वेरी गुड. आज के जमाने में क्या है ना, लोग कुछ भी रिसर्च किए बगैर कुछ भी छाप देते हैं इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके. साहिल और ये जो चैनल है पलट तेरा ध्यान किधर है, वो ऑथेंटिक रिसर्च करते हैं. इसीलिए ये चैनल अलग है, इसीलिए हमें भी अच्छा लगता है ऐसे चैनल पे आके कुछ बातें करने का. दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस इन एनी फील्ड. चाहे आप यूट्यूब चैनल चलाओ या आप राइटिंग करो, आप अपना जो काम करो पैशन से करो, शिद्दत से करो. क्योंकि जिस दिन आपका पैशन आपका व्यवसाय बन जाएगा ना, उस दिन आप काम नहीं करोगे, आप हमेशा वेकेशन पर रहोगे. इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं दोस्तों. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. बाय. जैसे कि विपुल जी ने बताया, कोई एक ही दिन में किसी फील्ड का मास्टर नहीं हो जाता, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, फिल्म को करीब से समझना जरूरी है. उम्मीद करता हूं कि आज विपुल जी ने जो कुछ बातें बताई उससे आपको स्क्रीन प्ले के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा. अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो विपुल रावल जी के द्वारा लिखी गई इस किताब फिल्म की कहानी कैसे लिखे को पढ़ सकते हैं, जिसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदी भाषी प्रकाशन राजकमल प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है. ये किताब अभी तीसरे एडिशन में है और ऑलरेडी एक बेस्ट सेलर बन चुकी है. ये किताब आपको Amazon, Flipkart और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो. लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. बी सेफ, हैव फन. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए